गरीब तबके के लोग जो कमेरा वर्ग हैं, अगर इस बार नहीं सुधरे 22 में अखिलेश की सरकार नहीं बनी तो 24 में देश जो है बर्बाद हो जाएगा। देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, उसमें 128 संशोधन हो गए हैं। और अगर आप लोग भूल के साइकिल छोड़ के कहीं गए, भाई भतीजावाद में, जातवाद में, बिरादरीवाद में कहीं गए, तो देश का संविधान चौपट हो जाएगा। आपके बच्चे जो है कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे, उनको कोई हक दिशा नहीं मिलेगा। नीट की परीक्षा होती थी, डॉक्टर कहा करके एमबीबीएस है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उस जमाने में अब के जमाने में बड़ा अंतर हो गया है। अब तो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने के लिए कोई गरीब का आदमी जिसके पास खेत नहीं है क्यों बनाना है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। पूछिएगा अपने लोगों से क्यों बनाना है। मिर्जापुर में मैं देख रहा हूँ अभी दो पुल जो है, चुनार का पुल जो बड़ा पुल जो है, भटौली का पुल जो है, आने जाने के मार्ग सुलभ हुए हैं। कौन बनवाया है? अखिलेश यादव जी बनवाए हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जितने बने सब वही बनवाए हैं। चुनाव 14 चल रहा था लोकसभा का, मैं 14 जगह लोकसभा का प्रभारी था साथियों। ये झूठे लोगों से पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहां मैं देख रहा हूं कमेरा वर्ग के लोग आए हैं। कमेरा वर्ग मतलब काम करने वाला आदमी। समाज में जो व्यवस्था है, काम करने वाले पीछे रह जाते हैं, मलाई खाने वाले आगे चले जाते हैं। अब वो जमाना बदल गया है, जो काम करेगा वही पाएगा। काम करने वाले को हर हिस्सा मिलेगा और लुटेरा जाएगा। कभी उसको उतनी भागीदारी, लेकिन बाद में ये काशीराम कहते थे, मायावती जब आई तो उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी गठरी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सपा में ये सब चलता उलता नहीं है, जान लीजिए आप लोग। सपा में जो काम करेगा, अगड़े भी, पिछड़े भी, दलित भी, शोषित भी, उपेक्षक हैं। विनोद बिंग जो पार्टी के प्रदेश पार्षद के सदस्य हैं, किसी से डॉक्टर भी हैं और आप लोगों के बीच में बराबर चल फिर रहे हैं। रोहित शुक्ला जी पिछली बार चुनाव यहाँ से लड़े हैं और वो भी दौड़ लगा रहे हैं इसी बीच में। अशोक यादव, रामगोपाल यादव पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। रामगोपाल बिंग ये पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। और निजाम राय, अभय यादव, अमित यादव, विनोद यादव, सुभाष पटेल, विनोद चौधरी, उदल पासी, जितेंद्र यादव, चंद्रमा बिंग, रवि यादव, सूरज यादव, पाली। नमस्कार, मिर्जापुर न्यूज डॉट कॉम में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी सक्रियता के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को अपनी अपनी पार्टी की विचारधाराओं से लोगों को अवगत करा रहे हैं और तमाम प्रकार की राजनीतिक जोड़ तोड़ का भी प्रयास सीधे सीधे आप देख सकते हैं। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम चल रहा है और इस वक्त जो सभा को संबोधित कर रहे हैं डॉक्टर विनोद बिंद, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार, मझवा विधानसभा क्षेत्र के जाने जाते हैं। देखिए अपने संबोधन में पार्टी के विचारधारा को लोगों को अवगत करा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव राजनारायण बिंद भी मौजूद हैं और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी के राजनारायण बिंद की मौजूदगी में इसी मंच पर तमाम समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी बैठे नजर आए। और सबसे खास बात ये रही कि जब इस मंच पर बैठने की बारी आई तो कौन कहाँ बैठेगा इस बात को लेकर भी थोड़ी देर स्थिति ऊहापोह की बनी रही। हालांकि वरिष्ठ लोगों के इशारे और बुद्धिमान लोगों की मौजूदगी के चलते स्थिति बहुत नहीं बिगड़ी और लोग फिर अपने अपने हिसाब से जगह को मैनेज कर लिए। उससे भी बड़ी बात ये नज़र आई कि ये जो आप बड़ा माला देख रहे हैं, इस बड़े माले में भी आप देखिए कि इसमें बहुत ही चुनिंदा लोग हैं। इस मंच पर और भी प्रत्याशी हैं लेकिन सिर्फ इस माले में उन्हीं को शामिल किया गया
जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये मझुआ विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हो सकते हैं। देखिए मंच पे तमाम जगदम्बा सिंह पटेल हैं, पूर्व विधायक हैं, चुनार के अशोक यादव भी बैठे हैं उनके बगल में, और इस तरीके से तमाम बड़े समाजवादी पार्टी के चेहरे आपको नज़र आएंगे। देखिए ये बैठने को लेके ये मामला चल रहा है। अब ये जो मामला चल रहा है, जिनका ये कार्यक्रम है, इसमें सारे समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं, और कौन कहाँ बैठेगा इस बात को लेके आप देख सकते हैं इसमें क्या स्थिति चल रही है। सभी साथियों से निवेदन।